हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नोवा मोनी स्कूल जामनगर। आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 7 चैप्टर नंबर 2 मैथ्स का फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स। उसमें हमने एक्सरसाइज 2.5 देखी। अब आगे देखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर, यानी डेसिमल नंबर का मल्टीप्लिकेशन हम कैसे करेंगे उसके बारे में हम आगे देखेंगे। जो फ्रेंड हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर 10, 100 और 1000 के साथ, कि अगर ऐसी आपको संख्या दी है 1.76 मल्टीप्लाई 10, तो 76 है तो आप नीचे यहाँ पे 200 लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर ज़्यादा है तो 1000 भी लिख सकते हैं। यानी कि पॉइंट पे हम देख, जब हमें डेसिमल लेना है, पॉइंट लेना है, तो हम कैसे उसमें नंबर को छोड़ के उसके बाद हम पॉइंट लिखते थे, उसी तरह इसमें नंबर एड करके आप पॉइंट को जो फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं एक्सरसाइज 2.6। एक्सरसाइज 2.6 है फाइंड 0.2 मल्टीप्लाई 6। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं एक्सरसाइज 2.6 क्वेश्चन नंबर 1। उसमें पहला 0.2 मल्टीप्लाई 6। देखिए फ्रेंड्स 0.2 यानी पॉइंट के पीछे कितने डिजिट है, सो 1 डिजिट है, तो आप इसे लिख सकते हैं यहाँ पे 2/10 मल्टीप्लाई 6। 2/10 क्योंकि 0 या पॉइंट के बाद जितने डिजिट हो गए उतने आप लिख सकते हैं 0 नीचे। देखिए 1 है सो आप 1, 2 है तो 100, 3 है तो 1000। अभी इसको कट करते हैं होगा तो देखिए 2 5 10, सो आंसर आएगा 6/5। तो ये हमारा आंसर पहले का हो गया। अभी देखिए फ्रेंड्स ये कैसा है फ्रैक्शन में, हमें आंसर कैसा चाहिए डेसिमल में, तो 6/5, तो ऐसे हम कर सकते हैं 6 / 5, 5 1 5, 5 1 5, यहाँ पे 1, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, यहाँ 0 या 0 नीचे आ जाएगा, 5 2 10, सो आंसर आएगा 0 0, तो आंसर ऐसा आएगा 1.2, ये आंसर होगा। आपको डेसिमल में दिया गया है इसलिए आपको डेसिमल में लाना है। चलिए आगे, उसके बाद 8 × 4.6, सो 8 × यहाँ पे 46 में कर दूँ, और यहाँ पे पॉइंट के पीछे कितना डिजिट है, सो 1 है, तो यहाँ पे मैं 10 लिखूँगा तो हो जाएगा। देखिए अभी मैं कट कर देता हूँ, 2 4 8 2 5 10। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 46 को 4 के साथ, तो देखिए यहाँ पे 46 × 4, 4 6 24, 2 4 4 16, 16 और 18, सो आंसर आएगा 184/5। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, सो 184/5, 5 1 5, 5 3 15, यहाँ पे 3 होगा, 4 होगा, 5 6 30, 4 आ जाएगा, यहाँ पे पॉइंट होगा 0, सॉरी यहाँ पे 0 आएगा, 4 8 40, 5 8 40, सो आंसर आ जाएगा 36.8। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। आपको डिवाइड कर देना है उसके बाद में मिल जाए आंसर। उसके बाद 2.71 × 5, देखिए यहाँ पे 2.71 है, तो इसको मैं 271 लिख सकता हूँ, लेकिन मुझे नीचे 71 यहाँ पे 2 डिजिट है, तो एक लिखना है उसके बाद 2 0 लगाने हैं मल्टीप्लाई 5। अभी देखिए यहाँ पे कट हो सकता है, तो जी हो सकता है 20 5 100, सो आंसर ऐसा आया 271/20, तो 271 उसको 20 के साथ हम क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, 21 20, 22 40, 20 10, 21 20 से स्टार्ट करना पड़ेगा, यहाँ पे 7 और 1, 23 60, आंसर आएगा 11। यहाँ पे पॉइंट ले लीजिए, यहाँ पे 0, 25 100, 26 120, तो 25 100, फिर से आंसर आएगा 10, और यहाँ पे और एक 0 ले लेते हैं, तो 25 100 000, तो आंसर क्या आया 13.55। फ्रेंड्स आपको डिवाइड कर देना है बाद में। उसके बाद
20.1 मल्टीप्लाई 4, सो 20.1 को मैं 201 लिख सकता हूँ। यहाँ पे पॉइंट के बाद 1 है तो 1 पहले लिख देना है और एक 0 और यहाँ पे 4, यहाँ पे आएगा 2 5 10, यहाँ पे 2 2 4, 201 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ तो आंसर आ जाएगा 2 402 और 5। यहाँ पे हम डिवाइड कर देते हैं 405 डिवाइडेड बाय 402 डिवाइडेड बाय 5, 5 8 40, 0 0। अभी यहाँ पे 2 है इसलिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 0 लगाना पड़ेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा पॉइंट हो जाएगा, ये 2 नीचे आ जाएगा, कुछ है नहीं इसलिए 0। अभी फिर से एक 0 लगाएंगे, 5 4 20, सो आंसर आएगा 80.4। फ्रेंड्स आपको पॉइंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा आंसर आने के बाद, वी 0.05 मल्टीप्लाई 7, सो 0.05 को मैं ऐसे 5 लिख सकता हूँ क्योंकि दूसरा डिजिट तो है नहीं, लेकिन पॉइंट के बाद कितने डिजिट है तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो पहले आपको 1 तो लिख ही देना है, उसके बाद 2 डिजिट 1 2 और 7, आंसर आएगा 35/100, तो 35/100 आंसर है, तो इसलिए आप 2 डिजिट यहाँ पे है, यहाँ पे 2 डिजिट है तो 0.35 ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद 21.02 मल्टीप्लाई 4, सो आप ऐसे लिख सकते हैं 2102, यहाँ पहले 1 लिख दीजिए, पॉइंट के बाद कितने हैं डिजिट है तो 12, तो 12 मल्टीप्लाई 4, 25 आ जाएगा आंसर, 25 4 100, सो ऐसा होगा 102 आंसर लास्ट में डिवाइडेड बाय 25, तो यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे 25 1 25 25 8 200, आंसर आएगा 010, यहाँ पे माइनस करेंगे ऊपर से 25 4 100, सो आंसर आएगा 002। सो सो फ्रेंड्स यहाँ पे 2 होगा, 2 आ गया इसलिए यहाँ पे क्या हो गया हो जाएगा 0 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 0 हम करेंगे तो फिर से हमें पॉइंट लेना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे पॉइंट हो जाएगा 0, यहाँ पे आ जाएगा तो 25 8 200, सो आंसर आ गया 840.8। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, टू मल्टीप्लाई 0.86, सो 2 मल्टीप्लाई 86 आप लिख सकते हैं, पहले 1 तो लिख दीजिए, उसके बाद यहाँ पे कितने डिजिट है पॉइंट के बाद 12, तो 12 यहाँ पे 50 हो जाएगा क्योंकि 2 50 2 100, सो 86/50, सो यहाँ पे 86/50 कर दीजिए, 50 1 50, आंसर आएगा 6 और यहाँ पे 3। अभी आगे नहीं बढ़ सकते इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे पॉइंट हो जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, 57 35, आंसर आएगा 010, ऊपर से फिर से 0 लेंगे तो 52 100, सो आंसर आ जाएगा 1.72। सो फ्रेंड्स ऐसे आपको पॉइंट को में कन्वर्ट करने के लिए आपको डिवीजन करना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर हुज लेंथ इज 5.7 एंड ब्रेथ इज 3 सेंटीमीटर। रेक्टेंगुलर का हमें एरिया ढूंढना है, उसकी लेंथ देखिए क्वेश्चन नंबर 2, उसमें लेंथ कितनी है हमारे 5.7 सेंटीमीटर और ब्रेथ है 3 सेंटीमीटर। चलिए अभी हम उसका जो फॉर्मूला है रेक्टेंगुलर के एरिया का, सो लिखते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एल मल्टीप्लाई
बी। सो आंसर आएगा 5.7 मल्टीप्लाई 3। सो आप इसको 57 अपॉन 10 मल्टीप्लाई 3 भी लिख सकते हैं। अभी 57 मल्टीप्लाई 3 हम करेंगे, 3 7 21, सो यहाँ पे 3 5 15 और 17 171 और यहाँ पे 10 है तो 10 लिख दीजिए। तो आंसर आएगा यहाँ पे 0 है, हमें डिवाइड करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 0 1 0 है, इसलिए यहाँ पे एक डिजिट के बाद पॉइंट लिख देंगे तो आंसर मिल जाएगा 17.1 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। फ्रेंड्स सेंटीमीटर का स्क्वायर यहाँ पे लिखेगा क्योंकि एरिया है इसलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। फिर से फ्रेंड्स हमें फाइंड ही करना है क्वेश्चन नंबर 3 में। देखिए 1.3, अभी यहाँ पे जो 1000 ऐसा ही दिया गया है 1.3 मल्टीप्लाई 10, सो यहाँ पे 13 अपॉन 10 मल्टीप्लाई 10, यहाँ पे कुछ नहीं होगा तो 1 होगा, 10 चले जाएगा, आंसर आएगा 30। अभी आगे 36.8 मल्टीप्लाई 10, तो 36 को हम 360 मल्टीप्लाई 10 लिखेंगे तो ये 10 चले जाएगा, आंसर आएगा 368। उसके बाद 153.7 मल्टीप्लाई, तो आप उसको 1537 यहाँ पे 10 लिख देंगे क्योंकि पॉइंट के पीछे एक ही है, तो यहाँ ये 10 चले जाएंगे, आंसर आएगा 1537। उसके बाद 168.7 मल्टीप्लाई 10, फिर से यहाँ पे 16807, यहाँ पे दो डिजिट है, देखिए 12, तो यहाँ पे दो डिजिट लेना है मल्टीप्लाई 10, एक डिजिट चला गया तो आंसर आ जाएगा 1680.7, क्योंकि एक डिजिट के बाद आप पॉइंट ले सकते हैं। आगे 31.1 मल्टीप्लाई 100, सो 311 नीचे आप 10 लिख दीजिए, यहाँ पे 100 लिख दीजिए तो एक डिजिट चला जाएगा, यहाँ पे आंसर आएगा 3110, ये 10 को हमें मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद 156.1 मल्टीप्लाई 100, सो 1561 अपॉन 10 करोगे तो आंसर ऐसा आएगा 100, एक जीरो चला जाएगा। अभी 10 को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है तो पीछे एक जीरो लगा दो तो ये आंसर आ गया। फ्रेंड्स इजी है, पहले आपको मल्टीप्लाई करना है उसके बाद उसको कट कर देना है। उसके बाद VII में 3.62 मल्टीप्लाई 100, सो आंसर ऐसा होगा 362 नीचे 100 यहाँ पे 100 अपॉन 1, सो 100 चले जाएंगे, आंसर होगा 362। उसके बाद आगे 43.07 मल्टीप्लाई 100, सो 4370 अपॉन 100 और यहाँ पर भी 100 यहाँ पे 100 चले जाएंगे, आंसर हो गया 4370। उसके बाद IX 0.5 मल्टीप्लाई 10, सो यहाँ पे 5 अपॉन 10 मल्टीप्लाई 10, सो 10 चले जाएंगे तो 5 आंसर रहेगा। उसके बाद 0.08 मल्टीप्लाई 10, सो इसको सिर्फ 8 करेंगे और यहाँ पे कितने हैं पॉइंट के बाद 2 है तो 100, यहाँ पे 10 कुछ नहीं है तो एक डिजिट चला जाएगा, 8 अपॉन 10 हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी 8 अपॉन 10 हमको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 0.8 हो जाएगा, यहाँ पे 0 है यहाँ पे आप एक डिजिट लगा दो तो ये हो गया। अभी उसके बाद 0.9 मल्टीप्लाई 100, सो 9 अपॉन 10 मल्टीप्लाई 100 यहाँ पे 1 एक डिजिट चला गया, 10 9 जा 90, तो ये 90 आंसर आ गया। लास्ट 0.03 मल्टीप्लाई 1000,
सो 3/100 क्योंकि दो डिजिट है इसलिए 100 मल्टीप्लाई 1000 एक दो डिजिट कट हो गए, 10 3 30 तो आंसर आ गया 30। फ्रेंड्स इजी है ये सब सम। आगे बढ़ते हैं। अ टू व्हीलर कवर्स डिस्टेंस ऑफ 55.3 किलोमीटर इन 1 लीटर पेट्रोल, सो हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 लीटर। सो फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, 1 लीटर इज इक्वल टू 55.3 किलोमीटर डिस्टेंस कवर, इतने में वो चलता है, तो 10 लीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी। सो 55.3 मल्टीप्लाई 10, सो 553, यहाँ पे हम 10 कर देंगे क्योंकि पॉइंट के बाद यहाँ पे एक जीरो है इसलिए हो जाएगा यहाँ पे 10/1, a10 चले जाएंगे। सो 553 किलोमीटर इतना डिस्टेंस कवर होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, उसमें फाइंड, फिर से फाइंड करना है हमें। अभी क्या है फ्रेंड्स, दोनों में आपको पॉइंट दिए गए हैं, उसमें पहला 2.5 मल्टीप्लाई 0.3, 2.5 सो हम 25/10 मल्टीप्लाई 3/10 क्योंकि पॉइंट के बाद एक एक ही नंबर है इसलिए हम इसे सिर्फ एक एक ही जीरो लगाएंगे। पहले आपको 1 तो लगा देना है, उसके बाद जीरो लगाने हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे कट हो रहा है, तो कट होगा तो करते हैं हम 5 5 जा और यहाँ पे 5 2 जा, अभी कुछ हो रहा है तो नहीं हो रहा है, तो देखिए 5 3 जा 15 और यहाँ पे 20 ऐसा हो गया। सो फ्रेंड्स अभी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको थोड़ी सी परेशानी होगी इसको करने में, देखिए ऐसा करना पड़ेगा फिर से 15/20, अभी यहाँ चलेगा नहीं इसलिए 0 पॉइंट पहले से ही आ जाएगा यहाँ पे 0 27 140 0 10, फिर से यहाँ पे 0 लगाएंगे 25 100, तो आंसर आएगा 0.75। अभी देखो फ्रेंड्स दूसरी में मेथड आपको समझाता हूँ, देखिए 25/10 मल्टीप्लाई 3/10 ऐसा हो गया। अभी 25 3 जा कितना हुआ 75, यहाँ पे है 100। अभी दो डिजिट के ऊपर आप पॉइंट लिख सकते हैं, देखिए 12 सो 12 तो आंसर आएगा 0.75, ये दूसरी मेथड है इसलिए ऐसा ही हम करें। इसमें हम क्या करना पड़ेगा, हर बार हमें डिवाइड करना पड़ेगा, इसलिए चलिए 0.1 डिवाइडेड 15.7 तो यहाँ पे 1/10 हो जाएगा मल्टीप्लाई यहाँ पे 517/10 हो जाएगा। सो आंसर आएगा 517 यहाँ पे 100, सो 100 इसलिए दो डिजिट के बाद हम पॉइंट लिख देंगे तो 5.17 आंसर आ जाएगा। तीसरा 0.2 मल्टीप्लाई 316.8 दोनों में पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है इसलिए 10 को ही हम डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 2 और 10 यहाँ पे 3168 और यहाँ पे 10, सो 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो ये डबल हो जाएगा 3168 मल्टीप्लाई 2 8 2 8 16 यहाँ पे 1 2 6 12 13 1 2 1 1 और 3 2 3 6 सो 6336/100। सो यहाँ पे देखिए 100 है तो दो डिजिट के बाद पॉइंट लिख दीजिए इसलिए हमें क्या करना, डिवाइड नहीं करना पड़ेगा, तो देखिए 12 सो 12 सो 63.36 ये हमारा आंसर आ गया। आगे है 1.3 मल्टीप्लाई 3.1 सो दोनों में क्या है एक ही डिजिट है इसलिए 10 के साथ ही होगा। अभी हम 31 मल्टीप्लाई 13 कर देते हैं, सो 0 310 39 3014
आंसर आएगा 403 मल्टीप्लाई 100। सो यहाँ पे दो डिजिट है तो 12 के बाद पॉइंट 0.4.0.3 ये आंसर आ गया। उसके बाद 0.5 मल्टीप्लाई 0.05। सो फ्रेंड्स पहले में एक पॉइंट है तो 5/10 हो जाएगा, दूसरे में 2.2 है तो यहाँ पे 100 हो जाएगा। सो आंसर आएगा 5/5 = 25/1000 हो जाएगा, क्योंकि हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 100 से तो एक जीरो ज़्यादा हो जाएगा 1000। अभी तीन जीरो नीचे है तो तीन के बाद पॉइंट, तो यहाँ पे दो है इसलिए हम जीरो लगा सकते हैं, 0.025 ये आंसर आ गया। 11.2 × 0.15, सो 11.2 को हम 112 × 15 को हम 100, सो 112 × 15 0.1125 यहाँ पे 0, 5 1 5 यहाँ पे 6, 5 1 5 तो 0861 आंसर आएगा 1680 1680। उसमें बाद आएगा नीचे यहाँ पे 1000, सो आंसर होगा 1.680। रेडी बेंच। उसके बाद आगे 11.2 × 0.15, सो 112 ये तो हमने कर लिया है, 1.07 × 0.02, सो 1. देखिए दो है इसलिए 100 आ जाएगा, 107 और नीचे 100 × 2 और नीचे 100, 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है इसलिए डबल कर दीजिए हम 214/40 1 2 3 4 इसलिए 100 × 100 करेंगे तो आपको 10000 मिलेगा। आंसर है 1 2 3 4 के बाद पॉइंट, सो 1 2 3 4 तो नहीं है तो इसलिए जीरो लगा दीजिए। आगे बढ़ते हैं, 10.05 × 1.05 यहाँ पे 0.5 है, सो 1005/100 × 105/100, सो 1005 × 105 करना पड़ेगा, डबल जीरो पहले आप रख दीजिए या 1 के साथ इसलिए 1105, 0 के साथ तो 0000, 5 5 = 25 यहाँ पे 2, 5 का 0 के साथ इसलिए 2, 5 का 0 के साथ फिर से 0, 5 1 5, सो आंसर आएगा 5 2 5 5 0 1, तो ऐसा आंसर आएगा 1 0 5 5 2 5, नीचे आएगा 10000। अभी 4 डिजिट के बाद 0 लगा देना है, सो 1 2 3 4, सो 1 2 3 4 तो आंसर आएगा 10.5525 आंसर आया। चलिए फ्रेंड्स अभी आप ये IX और X है दोनों आप ट्राई कीजिएगा। सो देखिए यहाँ पर हमने हमारा 2.5 कंप्लीट कर लिया है, वीडियो को देखते रहिएगा, थैंक यू।